हेलो डीएवी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 5 का सारा क्वेश्चन सब डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने साइंस के चैप्टर 5 को पूरा डिटेल में डिस्कस किया था और इसके हर एक टॉपिक को हमने एक एक करके पढ़ा था। उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हम इसी तरह डीएवी क्लासिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हो और क्लासिक्स में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके क्लास के। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने से पहले हम कीवर्ड्स और यू मस्ट नो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है इसको डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देखना है तो वीडियो को स्किप करके भी आगे जाके देख सकते हो। सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, हर टाइप के चेंज को मैंने थ्योरी वाले वीडियो में समझाया है। अगर नहीं देखे हो तो पहले जाके वो देख लेना। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज का डेफिनेशन कहता है अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ एनीथिंग। किसी चीज को हम जलाते हैं तो क्या बनता है, ऐश बनता है, राख बनता है, तो उस केस में एक नया सब्सटेंस बन गया, इसीलिए हम बोलेंगे उसको केमिकल चेंज। नेक्स्ट है फास्ट चेंज। फास्ट चेंज क्या होता है, अ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई ऐसा चेंज जिसमें बहुत कम समय लगता है होने में, जैसे कि कटिंग ऑफ एन एप्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये सब चेंज करने में हमें बहुत कम समय लगता है, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे फास्ट चेंज। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जो एक बार हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पेपर को एक बार बर्न कर दिया या टीयर कर दिया तो उसको वापस से हम जोड़ नहीं सकते, तो इन ये सब चेंज जो है वो इररिवर्सिबल चेंज है। अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कर्डलिंग, दही का जमना, ये भी इररिवर्सिबल चेंज है। अगर एक बार दही जम गया तो वापस से वो मिल्क नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चीनी को ग्राइंड कर दें, उसका पाउडर बना दें, तो क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस वो पाउडर फॉर्म में रहता है लेकिन चीनी ही रहता है, इसीलिए उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज को बोलते हैं जिसमें कि जो सब्सटेंस चेंज होता है उसको वापस से हम इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है, A change in which substance produced can be brought back to its original form. जो भी substance produce होता है उसको हम original form में ला सकते हैं। जैसे कि simple example इसका है freezing of water. अगर water freeze हुआ है तो उसको वापस से हम melt करके water बना सकते हैं, तो इसीलिए ये भी reversible change का example हो गया। Next है slow change. Slow change ऐसे changes को बोलेंगे जो होने में बहुत समय लगाता है, जैसे कि हमारा बढ़ना, हमारा एज बढ़ना, उसके बाद प्लांट का ग्रो होना, ये सब क्या है, बहुत स्लो चेंज है। तो वही यहाँ पे लिखा है अ चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसा चेंज जो कि बहुत ज्यादा समय लेता है उसको हम कहते हैं स्लो चेंज। अब यू मस्ट नो में इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ब्रीफ में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गिवन है, वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारा चेंजेस होता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड एज। इन सारे चेंजेस को हम तीन टाइप में, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला है स्लो एंड फास्ट चेंज, एंड द नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, एंड द लास्ट वन इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो इन सारे चेंजेस को हमने डिटेल में पिछली वीडियो में, पार्ट वन वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है थ्री नंबर में गिवन है स्लो चेंज क्या होता है। स्लो चेंज इज अ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसा चेंज जो होने में बहुत लंबा समय लगता है उसको हम स्लो चेंज कहते हैं। अ फास्ट चेंज टेक्स प्लेस इन अ मच शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और जो फास्ट चेंज होता है वो बहुत कम समय लेता है होने में। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जैसे कि वाटर से आइस बना, उसको हम रिवर्स करके वापस से आइस से वाटर बना सकते हैं, ऐसे चेंजेस उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ऐसा चेंजेस को हम रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। To get back the original substance are called irreversible changes. जैसा कि अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो ऐश बनता है और वापस से ऐश को हम पेपर नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा irreversible change हो जाएगा। Next point है in a chemical change new substances with different property are formed. Chemical change में नया substance बनता है और उस substance का property completely different होता है original substance से। जैसे कि milk को जब हम जमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है, curd बन जाता है, तो कर्ड का प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम मिल्क। मिल्क का टेस्ट डिफरेंट होता है, कर्ड का टेस्ट डिफरेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया।
इसीलिए ये हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस आर दोज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस को बोलेंगे जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे एक आयरन का रॉड है, अगर हमने इसको बेंड कर दिया तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ? नहीं, लेकिन इसका शेप तो चेंज हो गया, तो इस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पॉइंट है सम चेंजेस लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कि हमें एनर्जी मिलता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं जैसे कि डीजल हो, पेट्रोल हो या एलपीजी हो, तो हमें हीट एनर्जी मिलता है। उसी तरह नाइन्थ पॉइंट में गिवेन है सम अदर चेंजेस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन मीन्स इसको एनर्जी चाहिए, आइस को मेल्ट होने में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी। सन से जो हीट एनर्जी मिलता है यही आइस मेल्ट होने में यूज कर लेता है। तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको एनर्जी गिविंग चेंजेस बोल सकते हैं, और बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको एनर्जी एब्जॉर्बिंग चेंजेस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें गिवन है उसमें बोला है ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रिंग अ डैश चेंज इन अ सब्सटेंस। जितना भी इरिवर्सिबल चेंज होता है कैसा चेंज लाता है एक सब्सटेंस में? तो वो लाता है परमानेंट चेंज। हमने पढ़ा था डिटेल में परमानेंट चेंज लाता है। अगर कोई इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है मतलब वो परमानेंटली ही होगा, वो टेम्पररली नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू नंबर में अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस पहले जैसा हो सकता है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे रिवर्सिबल। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड इज अ डैश चेंज। अगर हम एक आयरन रॉड को बेंड कर देते तो वो किस टाइप का चेंज होगा? तो उसमें जब भी हम आयरन रॉड को बेंड करते तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है? क्या नहीं बनता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन है बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इज डैश केमिकल चेंज वेयर एज रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ डैश केमिकल चेंज। हम जानते हैं कि बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें भी एक नया सब्सटेंस बनता है। लेकिन दोनों को हम सेम नहीं बोल सकते। बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए हम यहाँ पे फिल करेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ए फास्ट केमिकल चेंज बट आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डैश प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। हमने पढ़ा था कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ओरिजिनल सब्सटेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। अब हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फास्ट चेंज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऑन या ऑफ हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको फास्ट चेंज बोलेंगे। तो ये ट्रू हो गया हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिफॉरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल चेंज। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल की कटाई, अगर हम पेड़ को काट देते तो वापस से वो पेड़ को हम जोड़ भी सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्पररी चेंज। जब हम पेपर को बर्न कर देते हैं तो वो टेम्पररी होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता है पेपर एक बार बर्न हो गया वो राख बन गया तो वापस से पेपर नहीं बनेगा, तो ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट चेंज है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ एन एप्पल इज केमिकल चेंज। अगर हम एप्पल को कट करते हैं तो क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है? नहीं बनता है, इसीलिए कटिंग ऑफ एप्पल क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलड इज अ केमिकल चेंज। अगर हम फ्रूट्स का सलाद बनाते हैं तो क्या वो केमिकल चेंज है? क्या उसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है? नहीं बनता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ फिजिकल चेंज। जब दूध दही बनता है तो वो केमिकल चेंज होता है, हमें पता है, क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा गिवन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट चेंज। इसमें से फास्ट चेंज किसको हम बोल सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का बढ़ना, ये तो स्लो चेंज है, फास्ट नहीं है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड में से पौधा निकलना, तो ये भी स्लो चेंज है। नेक्स्ट है ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर में आग लगना, जलना, तो ये तो फास्ट चेंज हो गया हमारा। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, ये इसके मुकाबले तो स्लो ही है, तो इसीलिए यहाँ पे फास्ट चेंज हम बोल सकते हैं ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज, वाटर का इवेपोरेशन यानी कि लिक्विड से गैस बन जाना, ये कैसा प्रोसेस है?
तो क्या ये फिजिकल है? फिजिकल तो हो सकता है क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इस प्रोसेस में भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या ये फास्ट है? नहीं, ये फास्ट चेंज नहीं है। नेक्स्ट है, क्या ये इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल तो नहीं है, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। मतलब ये जो वाटर पेपर बना, ये वापस वापस से हमारा फिर से वाटर बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद क्या ये केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज भी नहीं है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन है, विच वन ऑफ दीज चेंज इज रिवर्सिबल चेंज? इसमें से रिवर्सिबल कौन है, मतलब पहले जैसा कौन हो सकता है? बर्निंग ऑफ कैंडल रिवर्सिबल नहीं है। इन फ्लैटिंग ऑफ बलून, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, जब हम एक बलून को फुलाते हैं तो वो वापस से फिर से पिचक सकता है, तो ये इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून रिवर्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट है बेकिंग ऑफ चपाती, अगर हम रोटी बना दिए तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन इंटू फ्लोर, अगर हम आटा पीस देते हैं व्हीट से तो वो वापस से फिर व्हीट नहीं बन सकता, तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, वो है इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में गिवेन है, विच वन ऑफ दीज इज अ इरिवर्सिबल चेंज? इसमें से इरिवर्सिबल कौन है, मतलब कौन वापस से बैक नहीं हो सकता है? तो ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, वापस से फिर छोटा नहीं हो सकता अगर एक बार बेबी बड़ा हो गया, तो ये इरिवर्सिबल हमारा मिल गया सबसे पहले। उसके बाद है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो तो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं हुआ ये। इवेपोरेशन ऑफ वाटर को भी हम देखें तो वो भी रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं हुआ। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, ये भी रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं होगा। तो इरिवर्सिबल हमारा एक ही चेंज यहाँ पे दिखता है, वो है ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में गिवेन है, अ पीस ऑफ पेपर अंडर गो अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज डैश। एक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा कब केमिकल चेंज होता है उसमें? जब हम उसको बर्न करते हैं, काटने से तो वो केमिकल चेंज नहीं होगा, फोल्ड करने से भी केमिकल चेंज नहीं होगा, रीशेप इंटू पेपर टॉय, अगर हम कोई पेपर टॉय बना लेते हैं तो भी केमिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको बर्न कर देते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, डेट इज एश। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि बर्न करने पे वो केमिकल चेंज हो जाता है उसमें, इसीलिए सही आंसर इसका होगा बर्न। अब क्वेश्चन नंबर डी में जितना क्वेश्चन है और ई में जितना क्वेश्चन है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा, सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी में क्या गिवन है। इसमें पूछा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है रिवर्सिबल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, उसके बाद फिजिकल चेंज क्या है, तीनों को हमें डिफाइन करना है। बहुत सिंपल है, मैंने अच्छे समझाया, तीनों बार बार समझाया मैंने। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कि सब्सटेंस पहले जैसा फिर से बन सकता है, उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस मेल्ट भी हो गया तो फिर से हम बर्फ बना सकते हैं उसको, तो ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे चेंज को बोलेंगे? जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। जैसे कि मिल्क जब कर्ड बन जाता है तो एक नया सब्सटेंस बना विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। उसी तरह बर्निंग ऑफ वुड और पेपर भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द सब्सटेंस में चेंज इट्स अपियरेंस और फिजिकल स्टेट। बस वो दिखने में और उसका फिजिकल स्टेट बस चेंज हो सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा इसमें। जैसे कि टियरिंग ऑफ पेपर, अगर हमने पेपर को फाड़ा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, अगर हमने कॉलीफ्लावर को काटा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। उसी तरह अगर फ्रीजिंग ऑफ वाटर को भी हम देखें तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंज। इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है, फास्ट क्या होता है, स्लो क्या होता है। तो स्लो चेंज के बारे में हम क्या लिखेंगे? द चेंजेस डेट टेक्स प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंज। जो चेंज होने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसको स्लो चेंज बोलेंगे। जैसे कि चेंज ऑफ सीजन, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे काम होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट है फास्ट चेंज। फास्ट चेंज किसको बोलेंगे? द चेंजेस डेट टेक प्लेस क्विकली इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंज। ऐसा चेंज जो कि बहुत तेजी से होता है और बहुत कम समय में होता है, ऐसे चेंजेस को हम फास्ट चेंज बोलेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो पहला हो जाएगा बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो ये हमारा फास्ट चेंज होगा, जल्दी से जल जाता है वो। उसके बाद लाइटिंग ऑफ बल्ब, अगर हम बल्ब भी जलाते हैं वो बहुत तेजी से होता है। तो अगर ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंजेस आर। उसके बाद हमें कॉलम बना के दोनों का डिफरेंस लिख देना है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। दोनों का एक एक एग्जांपल हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द टू एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर, उसके बाद लिखेंगे टू एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर। इसी पैटर्न में आंसर लिखना है, अच्छा मार्क्स आएगा। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल जो है रिवर्सिबल चेंजेस का वो है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर फ्रीज होता है तो वापस से मेल्ट भी हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा रिवर्सिबल चेंजेस का। उसी तरीके से स्ट्रेचिंग ऑफ रबर भी हम देखें, अगर रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वापस से पहले जैसा हो जाता है, तो ये भी हमारा रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन इरिवर्सिबल चेंज क्या क्या हो गया? बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल गया मतलब जल गया, वापस से पेपर नहीं बनेगा, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। उसी तरह कुकिंग ग्रेन्स, अगर कोई अनाज को हमने पका दिया तो वापस से वो अनाज नहीं बनेगा, इसीलिए ये भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्टेट सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन नेचर। हमें इरिवर्सिबल होना चाहिए जो भी चेंजेस का एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ बायोलॉजिकल भी होना चाहिए। बायोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स और रिलेटेड टू एनिमल्स। तो ऐसा चेंजेस क्या क्या है हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, सम इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर नेचर आर, क्वेश्चन में जैसे है ना वैसे स्टेटमेंट लिखना है। पहला लिखेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, ये किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है, तो ये हमारा बायोलॉजिकल चेंज हो गया और ये इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो हो गया, वो फिर से वापस से नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एजिंग ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन और एनिमल का उम्र का बढ़ना, ये भी हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है और साथ ही साथ बायोलॉजिकल भी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बेस्ट है इसमें लिखने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, यानी कि एनर्जी रिलीज हो, एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि एनर्जी उसमें लगे, हमें देना पड़े, तो इसका क्या एग्जांपल होगा? दोनों फिजिकल चेंज ही होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है, केमिकल चेंज नहीं बताना है। तो अब देखो पहला है यहाँ पे द फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, यानी कि रिलीज होता है एनर्जी, वो है स्विचिंग ऑन बल्ब। जब हम बल्ब जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो हम उसको बोलेंगे लाइट एनर्जी। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें कि एनर्जी हमें मिलता है। उसके बाद द फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब डेट इज थ्रोइंग अ बॉल, जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, हमें एनर्जी लगाना पड़ता है, इसीलिए ऐसे चेंज को हम बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्बिंग चेंज। तो इस तरीके से तो यहाँ तक हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब इसी तरीके से हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें बोला है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, दोनों में हमें दो डिफरेंस बताना है। तो जब भी डिफरेंस बताना हो तो हम कॉलम के फॉर्म में इसी तरीके से टेबल बना देते हैं और डिफरेंस बताते हैं। यह सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखने का। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हम रिवर्सिबल का लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में इरिवर्सिबल का। तो देखो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, सबसे पहले तो इसका एक डेफिनेशन से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिख देंगे सिंपली अ चेंज इन विच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, ऐसा चेंज जिसमें कि सब्सटेंस वापस से पहले जैसा हो सकता है उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। उसी तरीके से इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। सेम है, बस इसमें कैन गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन इसमें है कैन नॉट गेट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, सेम है, एक डेफिनेशन याद कर लोगे दोनों याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट इसका है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, दीज आर टेम्पररी चेंजेस। रिवर्सिबल जो होता है वो टेम्पररी होता है, चेंज होता है तो परमानेंटली चेंज नहीं होता है, उसको हम वापस से बदल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखेंगे दीज आर टेम्पररी चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड व्हेन द काउज ऑफ द चेंज इज रिमूव्ड, जब हम चेंज होने का कारण को हटा देंगे तो वो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने वाटर को एक फ्रिज में डाला तो वाटर क्या बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा, है ना, आइस क्यूब हमारा बन गया। तो इस चेंज को हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, अगर इस फ्रिज को, यही ना काउज ऑफ चेंज यही था ना, फ्रिज ही था ना, अगर हम इसको हटा दें तो वापस से ये आइस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे टेम्पररी चेंज, ये दूसरा पॉइंट हो गया। लेकिन वही चीज़ हम इरिवर्सिबल वाले में क्या लिखेंगे, दीज आर परमानेंट चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन इफ द काउज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड। जैसे कि इरिवर्सिबल चेंज एक क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर,
पेपर में हम अगर आग लगा दिए, अगर हम इस आग को बंद भी कर दे, तो जो पेपर जल चुका है क्या वो रिवर्स होगा? नहीं होगा। तो यही यहाँ पे है, दिस इज दीज आर परमानेंट चेंजेस। तो दोनों में इस तरीके से दोनों पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ इरिवर्सिबल एज वेल एज केमिकल चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है। इरिवर्सिबल है हमें पता है, क्योंकि एक बार अगर दूध से दही बन गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, वापस दूध नहीं बनेगा वो, तो ये इरिवर्सिबल है हमें पता है। उसके बाद ये केमिकल चेंज भी है, क्योंकि जब मिल्क जब कर्ड बन जाता है तो एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसका पूरा टेस्ट अलग होता है, उसका स्टेट अलग होता है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल चेंज है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ इरिवर्सिबल चेंज, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क वी कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस, हम अपने पहले जैसे सब्सटेंस को नहीं ला सकते हैं, मतलब जो अगर दूध दही बन गया तो वापस से दूध नहीं बना सकते हैं, डेट इज मिल्क, एंड इट इज अ केमिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज भी है, बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड डेट इज कर्ड, क्योंकि ये एक नया सब्सटेंस बना देता है जिसको हम दही बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, विच हैज डिफरेंट टेस्ट अदर देन मिल्क, इसका कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट होता है मिल्क से, बिल्कुल अलग, तो इसीलिए हम इसको केमिकल चेंज भी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दिया कि ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल भी है और केमिकल चेंज भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, इसमें गिवन है वाटर साइकिल इज अ नेचुरल चेंज। वाटर साइकिल में क्या होता है कि जमीन पर जितना पानी है वो इवेपोरेट होके बादल बनता है, फिर से बादल बरसता है, फिर वो पानी नीचे आ जाता है, तो इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये जो है एक नेचुरल चेंज है। अब हमें बताना है कि ये जो वाटर साइकिल है क्या ये फिजिकल है या केमिकल है, और क्यों है ये भी बताना है। उसके बाद ये जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये भी हमें बताना है। यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई योर आंसर, तो इसका आंसर हम दो पॉइंट में बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये फिजिकल है या केमिकल है और उसका रीजन भी देंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है और उसका रीजन भी देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है। अब देखो क्यों, बिकॉज इन द होल साइकिल, पूरे साइकिल में वाटर गेट्स कन्वर्टेड इंटू वाटर वेपर, वाटर वाटर वेपर बनता है एंड अगेन इट गेट कन्वर्टेड बैक इंटू वाटर, और वापस से ये वाटर वेपर वाटर ही बन जाता है, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चेंज है वाटर साइकिल, ये फिजिकल चेंज आएगा, ना कि केमिकल चेंज। उसी तरह हम पॉइंट 2 में बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, हमें सबको पता है कि ये जो प्रोसेस है वाटर से वाटर वेपर बनना और वाटर वेपर से फिर से वाटर बन जाना, ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है। उसके बाद हम इसका रीजन देंगे क्यों रिवर्सिबल है, बिकॉज इन होल साइकिल वाटर गेट्स कन्वर्टेड इंटू वाटर वेपर, पूरी साइकिल में क्या होता है वाटर वाटर वेपर बनता है, मतलब पानी भाप बनता है, बादल बनाता है, उसके बाद बादल फिर से बारिश हो गया, फिर से पानी बन जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इट कैन बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म डेट इज वाटर, और इसको रिवर्स करके फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं जो कि वाटर है। तो इस तरीके से दो पॉइंट में हम इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हाउ कैन वी से डेट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, कैंडल का जलना एक केमिकल चेंज है लेकिन बल्ब का जलना फिजिकल चेंज है, ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। तो देखो जब कैंडल जलता है तो बहुत सारा नया नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है कि स्मोक और CO2, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जब हम बल्ब को जलाते हैं तो इसमें कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसीलिए ये फिजिकल चेंज है। तो उसी चीज़ को हमें इस सेंटेंस में यहाँ पे लिखना है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता दिया, बिकॉज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, गैस बहुत सारा प्रोड्यूस होता है और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है, हेंस इट इज अ केमिकल चेंज, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। बट ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन बल्ब का जलना एक फिजिकल चेंज है, सिंस नो न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसीलिए ये हमारा फिजिकल चेंज के कैटेगरी में आता है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लिख लेंगे। जितने भी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया सारे का आंसर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है,
अगर एक बार पढ़ोगे तो सारा आंसर याद हो जाएगा और एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।